हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे, मेरे तरफ से आप सभी को जुमा मुबारक हो। खूब सारी दुआएं कीजिएगा, अपने लिए भी, मेरे लिए भी, मैं भी आप सबके लिए करूँगी। तभी बज रहा है 12, तो भाई स्कूल आज नहीं गया है। ये नहीं गया मतलब स्कूल ऑफ हो गया है, उसका समर वेकेशन चल रहा है तो नहीं गया है। घर पे था ना तो बहुत परेशान कर रहा था, काम भी करने नहीं दे रहा था। मैं कब से कर करके अभी काम थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। मैंने मटन चढ़ा दिया, वो हो रहा है, तब तक वो उधर खेल रहा है, अंदर बाहर कर रहा है। सब बच्चा है ना, वो अकेले घर में भी क्या करेगा, तो उसके लिए बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने उसको अभी बनाना का चिप्स उसको दूँगी। मैंने उसको बोला है कि मैं अभी देती हूँ आपको, बनाना चिप्स खाना पसंद करता है, तो मैं उसको भी दूँगी बनाना का चिप्स। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ, और इसके पहले किचन में चलते हैं, देखते हैं कि मेरा मटन हो रहा है तो कहीं लग नहीं जाए। मैं उसको चलाती हूँ पहले, सबसे पहले तो ये मैंने सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मैंने दाल चढ़ाया है क्योंकि मैं भुना बनाऊँगी तो उसके संग दाल बनाना ज़रूरी है। और ये हमारा मटन जो कि हो रहा है, अभी गला नहीं है, ये और गलेगा, तो इसको मैं ढक के होने दूँगी। और फिर से रिजुला थोड़ा लेट गया है क्योंकि मैं फ्राइडे को मैंने शूट किया था तो मैं नहीं डाल पाई फ्रेंड्स, तो अभी डाला है। तो यहाँ पे मैंने सैलेड का सामान रखा है फ्रेंड्स, और मैंने आलू को फ्राई करके थोड़ा सा कलर देके ना फ्राई करके रखा है मटन में ऐड करने के लिए, माहित के लिए। और ना फ्रेंड्स ये वीडियो, और मैं आलू इसलिए ऐड करती हूँ ना थोड़ा थोड़ा, मतलब बिना आलू का मटन बनाओगे ना उसका टेस्ट एक अलग सा आता है। उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत अलग सा आता है। बोलते हैं ना हर टेस्ट अलग अलग होता है। और वो जो पीछे इतना बड़ा बैग में लटका है ना, आपको दिख रहा है, वो मेरे हस्बैंड का बैग है। एक्चुअली वो ड्यूटी जाते हैं ना तो लेकर जाते हैं, उनके पास दो बैग है। जब एक कभी नाइट शिफ्ट जाते हैं ना तो वो पूरा भर के लेके जाते हैं। पानी वानी सब कहीं कहीं होता है ना तो पानी नहीं रहता है, तो वो वहाँ पर पानी वानी के लिए वो बड़ा बैग लिए हैं, और जहाँ पानी रहता है वो छोटा बैग लेके जाते हैं। तो सॉरी, वो रोज़ रेगुलर यूज़ नहीं होता इसलिए मैंने उसको ऐसे बांध के रखा है, क्योंकि यहाँ पर डस्ट भी बहुत है ना, तो इसलिए पूरा गंदा लग जाता है। तो इसकी वजह से मैंने उसको इसे पीछे में बांध कर रखा है बर्फ सा प्लास्टिक में। तो मैंने मटन, हाँ तो मैं बता रही थी कि मैंने मटन में आलू इसलिए माहिर के लिए सिर्फ ऐड करती हूँ ना, क्योंकि वो मटन नहीं खाता है ज़्यादातर, वो एक पीस ही खाएगा, लेकिन उसको आलू चावल में मिक्स करके चाहिए ही चाहिए। तो मैं डाल देती फिर उसके अलग से क्या बनाऊँ, तो मैंने इस साथ में ही उसको भी ऐड कर दिया है। फिर मैंने मटन ना भुना बनाऊँगी तो दाल भी बनाया, दाल चावल मटन सैलेड, सिंपल से खाना हमारा। फ्राइडे है ना तो हस्बैंड ने बोला कि चलो थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं। मटन हम लोग लास्ट ईद में ही खाए थे, उसके पहले उसके बाद और खाए नहीं। और इतना गर्मी है ना, मैं जूम करके दिखाती हूँ कितना गर्मी है। और ये कितने दिन से मैंने इन पॉलिश के लिए सोच ही निकाली, मैं ऐसे ही नमाज पढ़ी हूँ। ये पेंट रिमूवल ना मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं माइंड ने बाहर फेंक दिया है ना क्या। मैं बाहर भी जा नहीं पा रही हूँ, मैं हस्बैंड को बोली हूँ दो दिन से, वो भूल जाते हैं। मैं इसको देखती हूँ अभी, निकालूँगी ही, क्योंकि फ्राइडे भी नमाज पढ़ना है। नमाज तो पढ़ती हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, क्या करूँ, नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसको निकल, आज का नेट पेंट निकलता भी नहीं है जल्दी, तो चलिए देखते हैं। और ये मैं माहिर के लिए बनाना का चिप्स दे रही थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे यहाँ पे, साउथ के दुकान है भुजिया का, तो वो भैया बहुत टेस्टी बना कर देते हैं, वो दुकान में ही खुद बनाते हैं। मैं भी वहाँ पे कितना बार गई हूँ तो वो बहुत अच्छे से वो लोग टेस्ट करने के लिए भी देते हैं कि आप टेस्ट करके देखो टेस्ट कैसा लग रहा है आपको। तो ये मिक्सर लाए थे, वो तिलकुट लाए थे, और फिर उसके बाद एक वो चकुट्टा वाला नमकीन होता है ना, वो लेकर आए थे ये वाला, इसमें मैंने फार के दिखाया है थोड़ा सा, बहुत टेस्टी था। और ये बेसन का चावल का आटा का है, मैदे का नहीं है। अब वो सारा कुछ मुझे ना वो 250 रुपये का पड़ा था, मैं बोली कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, कुछ दिख नहीं रहा है सामान में, से बोले क्वांटिटी मत देखो क्वालिटी देखो, क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये मैं माइक पे बनाना चाहती हूं, चल लो यहाँ पे बैठ के खाओ, बैठो माइक खा के बताओ कैसा लग रहा है। पापा आपके लिए लाए हैं सिर्फ। माहिर आपको बनाना का चिप्स कैसा लगा बेटा? अच्छा भी लग रहा है, गंदा भी लग रहा है, तो दे दो मम्मा को, नहीं खाओगे तो मम्मा खा लेगी, दे दो। आलू तो लाए? आलू को नहीं लाए, सिर्फ बनाना लाए हैं, आलू को चिप्स भी खाना था। कुरकुरे कटकटी दे दूं?
अच्छा ठीक है, पहले ये फिनिश करो। कड़कड़ी खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है ना, फिर खाना है। ओके तिल वाला, तिलकुट, अच्छा ठीक है, पहले ये खा लो। बनाना खाना है, दो बनाना रखा है आपके, बनाना फिनिश करो उसके बाद देंगे, ठीक है। तो मैं किचन से यहाँ रूम में आ गई, बैठी पाइप पंखा के नीचे में। इतना गर्मी हो रहा है ना, मतलब धूप नहीं है लेकिन फिर भी ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी लग रहा है। तो इसके लिए देख सकते हो मुझे थोड़ा पोछा भी है पसीना, लेकिन फिर भी पसीना नहीं जा रहा है। और मैंने आज शैम्पू नहीं किया क्योंकि मुझे बाहर जाना था थोड़ा सा, तो मैं वहाँ से आगे शैम्पू करूँगी। जब से कोविड आया मैं बाहर जाती हूँ ना, तो आगे मैं शैम्पू करती हूँ इसलिए। तो चलिए मैं आपसे ये नेल पेंट निकाल कर मिलती हूँ। और ये कौन आया है मेरे पीछे पीछे, और वहाँ पे वो एप्पल रखा है, इडली का चावल रखा है और वो अचार रखा है। मैं कब से बोल रही हूँ, कितना दिन हो गया वो लाते ही नहीं है जार, मैं किस में रखूँ उसको, इसलिए वैसे ही वो भी रखा है ढक के बाहर। तो ठीक है मैं ये नेल पेंट निकाल के मिलती हूँ। फ्रेंड्स मैंने नमाज वमाज पढ़ लिया है और मैंने नेल पेंट भी निकाल लिया है, मैंने भी थोड़ा अच्छे से कट कर लिया है। और मटन, लेकिन अब मटन अभी तक नहीं हुआ है, और हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आते होंगे तो मैंने हो गया है, लेकिन मैंने ना उसमें आलू ऐड नहीं किया था, तो मैं आलू ऐड करके उसको रखा है ताकि आलू थोड़ा सा गल जाए। तो आलू तो हो जाएगा 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। और देखिए गर्मी ऊपर, तो चलिए मैं आपको मटन दिखाती हूँ, देखते हैं आलू हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये देखिए मटन, मैं ढक्कन हटा कर दिखाती हूँ, आलू भी हो गया होगा। ये देखिए आलू थोड़ा सा गला हुआ दिख रहा है, मतलब गल गया है, हो गया है। और ये कितना टेस्टी दिख रहा है। और हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, तब बस हम लोग खाना खाने साथ में बैठ गए। और हस्बैंड सैंडो पहन के बैठे थे, तो बोले प्लीज़ मेरा मत लो, अभी बहुत गर्मी भी है, तुम अपना ही वीडियो बना लो। मैंने बोला चलो ठीक है मैं अपना ही बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैंने खाना वाना खा लिया है, खाना खा के बाहर आ गई हूँ, कि ना बहुत गर्मी लग रहा है, फ़ैन का हवा भी काम नहीं कर रहा है। तो देखती हूँ कूलर चलाऊंगी। और ये मैं दिखाती हूँ आज मैंने कपड़ा कितना सारा कपड़ा धोया है। ये देखिए इस यहाँ से लेके यहाँ पूरा ये सब कपड़ा हमारा है, इधर है और इस साइड भी है, यहाँ पे भी सारा, ये हस्बैंड का ड्यूटी का कपड़ा है और इस साइड देखिए। तो कल कपड़ा मैंने कम धोया था ना, तो आज इतना सारा कपड़ा निकला है ना, भूल गए लेकिन कोई बात नहीं। और ये मैंने ना, आप यकीन करोगे, ये मैंने ना सुरमा लगाया है, कितना अच्छा सा लगता है मेरे इसमें। मुझे मेरे घर पर में सब बोलते हैं कि इतना अच्छे से सुरमा कैसे लगा लेती है, कि काजल के जैसे लगता है, फैलता भी नहीं है। तो मेरा फैलता भी नहीं है, उतना जलता भी नहीं है। बाकी मेरे घर पर जो भी लगाते हैं ना, सब भूत बन जाते हैं, पूरा यहाँ से काला, यहाँ से काला, वहाँ से काला, सब गिरता है आंसू सबका, लेकिन मेरा नहीं गिरता है। मैं बहुत पहले से लगाती हूँ, तो मैं हैबिचुएट हूँ, मैं लगा लेती हूँ अच्छे से। बाहर में बहुत गर्मी लग रहा है, लगता है अंदर जाके ही बैठना पड़ेगा, इतना धूप है ना। मैं दिखाती हूँ थोड़ा।